Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dear students of 8th class, it is 30th of June 2021. Today our topic in general English is the poem, remaining part of the poem, Wrinkles. As you know, this poem is written by Aravind Krishna. And this poem has been translated from Dogri poem, Jhuriya by Shivnath. And this poem is a symbolical of mother's sacrifices, her love and dedication towards her children. A mother right from her, we can say from her childhood to the adulthood, or we can say to the motherhood, she gives a lot of sacrifice in feeding her children, in raising her children, in terms of love, in terms of dedication. We have already read 3/4 stanzas from this poem. तो बच्चों ये poem जो है एक माँ की कुर्बानियों का तज़िया करती है कि एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए कई किस्म के लातेदार हम जिसको कहेंगे सेक्रीफाइस वो करती है अपने बच्चों के वास्ते. द पोएट बिगिन टू नोट सम ऑरिकल्स ऑन द फेस ऑफ हिज मदर एंड ही जस्ट मस्टर्ड ऑल हिज कॉरेज टू टेल हिज मदर दैट आई वॉन्ट टू आयरन आउट these, we can say problems, these wrinkles. यानी बच्चा जो है एक दिन अपनी माँ से माँ के चेहरे पर वो झुर्रियाँ देखता है और उनको वो पढ़ने की कोशिश करता है उन झुर्रियों को और ये भी दिल में सोचता है कि मैं इसका कुछ अजाला कर सकूँ, मैं अपनी इस माँ को वो उस वाली माँ में देखना चाहता हूँ जब वो एक छोटी लड़की थी, जब वो राधे फेस्टिवल में, जब वो राधे के त्यौहार में, नवरात्र के दिनों में नहाती थी रिवर इसमें तवी में, जब वो राधे फेस्टिवल खेलती थी, जब वो हॉपस्कॉच या पेबल्स के साथ गोटियाँ खेलती थी वो, तो मैं उसमें उसको दोबारा देखना चाहता हूँ. तो यहां तक आप यू ओपन योर टेक्स्ट बुक्स ऑन पेज 68, पेज 68 पर हम पढ़ने जा रहे हैं. इसमें आप दूसरा वाला, इस पेज नंबर 68 में दूसरा वाला, ये जो स्टंजा आप देखिए, सिट आउट अनदर रिंकल व्हेन अ गर्ल टुक मी अवे फ्रॉम यू. Yes, this poet has noticed four wrinkles on the face of his mother. एक उस जुरी के मतलब एकस यमजन गेन यमजन इस मार्जिन इस बुत्स पर आस एकस मतलब चीज यमस ये बना कि यासे गई तेम साथन ये दस पानी में मूल करना यानी ऐसे कुली पड़े नहीं को मूल सहन करना जड़ से उखाड़ दिया और किसी और के सहन में लगा दिया यानी इट टेल्स her, it tells about her marriage, when she changed her native place, when she was planted like a tree from the backyard of her house, of her father's house, to her husband's house. तो उस तरीके से दूसरी जुरी के मतलब बताते हैं कि
यह दूसरी जो जुरी आपके इस चेहरे पर आई वो उस वक्त था व्हेन आई वाज इन योर वॉम, जब मैं आपके पेट में पल रहा था। तीसरी जुरी के मुतलिक वो बात बताई कि जब व्हेन आई वाज सकिंग योर मिल्क, इट वाज लाइक सकिंग आउट द ब्लड। तो उस वक्त क्या था, योर दिस कॉमलीनेस, योर ब्यूटी खेड डाले, ग्रेजुअली खेड डाले, उसकी खूबसूरती गई खत्म, यानी चक्कर न पड़ पाने की खूबसूरती खत्म। अब चौथे के मतलब स्टिल अनदर रिंकल व्हेन अ गर्ल टुक मी अवे फ्रॉम यू, दिस टेल्स अस अबाउट द मैरिज ऑफ द पॉइंट, जब मैरिज पॉइंट की मैरिज हो गई, जब पॉइंट की ये शादी हो गई, तब इसकी जिंदगी में एक और औरत आ गई, एक और लड़की आ गई। उसने क्या किया, उसने इसको अपनी माँ से छीना। ये तो कॉमन बात है, अक्सर बेशतर हम ये नहीं कहेंगे हर जगह, लेकिन हम अक्सर देखते हैं व्हेन अ बॉय गेट्स मैरिड तो उसकी जो बीवी होती है वो उसको अपनी माँ के खिलाफ उकसाती है। तो इसी तरीके शायर भी कहता है कि मैं ये वो लड़की थी जिसने मुझे अपनी माँ से जुदा किया, यानी जिस माँ अपनी माँ से कहता है, ये वो लड़की है जिसने तुझे मुझसे छीन लिया, हम दो को जुदा कर दिया। मदर माय मदर टेकिंग कॉरेज माय हैंड्स टुडे, आई एम सीकिंग अंडर द स्किन ऑफ योर रिंकल्स। ओ मदर, माय डियर मदर, अपनी माँ से कहता है, माय डियर मदर, मेरी प्यारी माँ, माय मदर टेकिंग कॉरेज इन माय हैंड्स टुडे, I have mustered all my courage, मैंने आज हिम्मत जुटाई है कि आपको कहूँ, आपसे कहूँ, I'm seeking, मैं चाहता हूँ, under the skin of your wrinkles, इस आपके जो ये wrinkles है, इनके नीचे जो ये skin है, इसके नीचे मैं वो देखना चाहता, वो लड़की, कौन सी लड़की, who was suppressed, जिसको दबाया गया है, जिसको suppress किया गया है, जिसकी आवाज को दबाया गया, who celebrated royal festival with fondness, जो बड़े शोक से fondness, यहाँ पर बड़े fondness, या राधे फेस्टिवल है, राधे फेस्टिवल होता है, ये हिंदुओं का एक त्यौहार होता है, इसी तरीके से ये सेलिब्रेट करती थी राधे फेस्टिवल, इसी तरीके से fondness का वर्ड आ गया, फाउंडनेस होता है, बड़े शौक से जो राधे फेस्टिवल खेलती थी, हु वेंट तवी, जो तवी दरिया की बात आ गई, हमारे दरिया की बात आ गई, तवी दरिया इज इन जम्मू रीजन, ये जम्मू रीजन में ये दरिया है, तो इसका मतलब है ये जो पोयम भी है ये इसी जम्मू रीजन के मुतलिक है। तो यहाँ पर उसको बताया, अपनी माँ से कहता है कि आप तवी रिवर पर भी जाती थी, वहां क्या करें, तो इमर्स राधे सीडलिंग्स, वहां पर वो सीडलिंग्स जो ये बीज है, जो पौधों जो ये बीज से बने वो पौधे थे, सीडलिंग्स जो थे, निहायत वनाशिस लकी लकी टम प्लांट्स, तिमो से क्या करें, तिमो इमर्स करें अत मज त्राव अत मज डुबाव अत आबस मज, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस रिचुअल, ये एक उस कस्टम का एक रिचुअल का, ये जो मजहबी रिचुअल है हिंदुओं का, उसी के हिसाब से वो करती थी। एंड And bath during the Navratras. Navratra के दिनों में, नवरात्रा भी हिंदुओं का त्यौहार होता है, ये कई दिन तक चलता है, तो कहता है कि नवरात्रा के दिनों में क्या करती थी, यू आर बाथिंग इन रिवर तवी, रिवर तवी को भी मुकदस माना जाता है, तो उसको बोला जाता, उसको बोलते हैं कि आप उन दिनों में नहाती थी, who played hopscotch and game of pebbles, आप गोटियां खेलती थी, hopscotch खेलती थी, हाँ उन दिनों मैं आपको उसी लड़की के रूप में देखना चाहता हूँ। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम ओरेकल्स, तो आप वंस अगेन गो थ्रू दीज लाइंस ताकि आपको अच्छे तरीके से भी समझ में आ जाए।